महात्मा गांधी। सिर्फ नाम ही काफी है किसी को भी सोचने पर मजबूर करने के लिए। सोचना सत्य के बारे में, सोचना एकता के बारे में, सोचना अहिंसा के बारे में। पर कुछ लोग हैं जो गांधी जी का नाम सुनते ही सोचते हैं गोडसे के बारे में। नाथूराम गोडसे, जिसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या की। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. आज तक पूरे देश ने जिसको नकार रखा है, उसी नाथूराम गोडसे का गुणगान करते हैं कुछ लोग, उसकी सोच का, उसकी नफरत का गुणगान करते हैं कुछ लोग। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। महात्मा नाथूराम गोडसे। कौन है ये लोग, क्यों ये लोग गांधी जी का नाम जुबान पर रखकर दिल में गोडसे को रखते हैं? क्यों इन लोगों को नाम के लिए गांधी जी चाहिए और काम के लिए गोडसे? आज देश इन लोगों से यह पूछता है, इन लोगों को यह चुनौती देता है कि वो गोडसे को नकार दे, गोडसे को रिजेक्ट करे। अपनी राजनीति के लिए महात्मा गांधी का नाम जपने वालों, आप अपनी हकीकत जितनी भी छुपा लो, देश की जनता यह जानती है कि देश का असली गद्दार गोडसे और गोडसे का समर्थन करने वाले लोग हैं। है हिम्मत इन लोगों में कि ये गोडसे को देशद्रोही कहे? है हिम्मत इन लोगों में कि ये गोडसे को आतंकवादी कहे? है हिम्मत?